स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेई। हम लोग आयतन के तीन लेक्चर्स देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेस चेंजिंग थ्योरम देखा था और उसके काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं अगले लेक्चर में लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा। वैसे तो काफी लॉगरिथमिक इक्वेशन आपने सॉल्व कर रखे हैं पहले ही, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, थोड़े जो टफ क्वेश्चन है वो मैं आज कराऊंगा। ये चार क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पर लिख रखे हैं। इसके बाद एक और पांचवा क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा इससे भी टफ है, उसमें बेस चेंजिंग थ्योरम का ही एप्लीकेशंस है और टोटल शायद लॉगरिथम का 7 लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा हो कि लंबा जा रहा है, लेकिन वैसे तो 20 मिनट का अगर उन्होंने एवरेज किया है तो 7 लेक्चर ज्यादा नहीं है, 140 मिनट, सवा दो घंटे, ठीक है। देखिए अगर चाहता तो मैं दो लेक्चर, आधे आधे घंटे के दो लेक्चर में भी खत्म कर सकता था, आपको भी फील गुड आता है, लेकिन उससे फिर फायदा ना मेरा होता और आपका तो बिल्कुल फायदा नहीं होता। इसलिए आराम से हम लोग कवर करेंगे 7 लेक्चर्स में, एक एक चीज डिटेल में अपन देखेंगे। उसके बाद 7 लेक्चर्स के बाद प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस भी देखेंगे और डीपीपी भी, 2 या 3 डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो कोई अच्छी किताब का डिस्कशन भी मैं कर दूंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। सॉल्व फॉर एक्स, लॉग ऑफ 9 - 2 की पावर एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू x - 3। ए और बी दोनों थोड़ा सा अलग है, आप दोनों सॉल्व करें फिलहाल ए और बी पार्ट, फिर मैं बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए ये पार्ट देखिए, फंडामेंटल डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x - 3 इक्वल्स टू 9 - 2 की पावर x, 2 की पावर x/8 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 9 - 2 की पावर x। ठीक है, यहां तक तो कोई आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 की पावर x 1/8, ये +1 जाएगा, इक्वल्स टू 9, ये क्या हो जाएगा 9/8, तो 2 की पावर x (9/8 इक्वल्स टू 9, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x (8, तो यानी x = 3। ठीक है, ये पार्ट ए में तो कोई दिक्कत नहीं था, पार्ट बी आप सॉल्व करें। पार्ट बी में भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x - 3 को इधर लेके जाएंगे, फिर यही सॉल्यूशन आएगा उसका। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, यहां पे सॉल्यूशन फिर से x - 3 = 0 आएगा, आप फिर x = 3 बोलेंगे, ठीक। लेकिन यहां पे x - 3 डिफाइंड, x = 3 पुट करेंगे, ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए नो रियल सॉल्यूशन, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। पार्ट ए में तो ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन था, लेकिन पार्ट बी में ये रिजेक्टेड सॉल्यूशन है, इसलिए इसका आंसर होगा नो रियल एक्स, नो रियल एक्स। अब आप 2 और 3 सॉल्व करें, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, 2 और 3 सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा उसमें वही जो प्रॉपर्टीज मैंने पहले पढ़ा रखे हैं उसी का एप्लीकेशन है दोनों में, तो 2 और 3 आप सॉल्व करें, तब तक मैं ये रफ कर देता हूं। अपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं। क्या है क्वेश्चन, x + 1 to the power log of x + 1 to the base 10 इक्वल्स टू 100x + 1। अब दोनों साइड लॉग ऑफ बेस 10 ले, ठीक है, दोनों साइड लॉग ऑफ बेस 10 ले आप बोथ साइड, तो इसमें क्या होगा, लॉग ऑफ बेस 10 x + 1 ये होगा, और इधर लॉग ऑफ बेस 10। मैं देखिए आपको एक एक छोटा से छोटा स्टेप मैं करके बता दे रहा हूं। यहां पे प्रॉपर्टी का यूज है, नंबर पे पावर मल्टीप्लाई होगा इंटू फिर से लॉग ऑफ एक्स प्लस वन टू द बेस 10 इसका स्क्वायर, यानी अब इधर देखें लॉग ऑफ एम एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, फिर लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन टू द बेस 10। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है कोई भी प्रॉपर्टी समझने में। ये 2 हो जाएगा लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, तो 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 एक्स प्लस वन, ओके। अब आप log of 10, log of base 10 x plus 1 को आप t मान लें तो quadratic बन जाएगा, तो t square minus t minus 2 equals to 0,
इसे सॉल्यूशंस क्या आएंगे, t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू -1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, -2t + t लिखें, तो t इक्वल्स टू t इक्वल टू +2 और -1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है। तो t यानी log ऑफ बेस 10 x +1 इक्वल टू 2 और -1। ओके, तो यानी x प्लस वन क्या है, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -1 यानी 100 और 1/10। अब देखिए आपको डिफाइन क्या करना था, यहाँ पे x प्लस वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ओके, तो क्या x प्लस वन ग्रेटर देन 0 है दोनों केस में? ओके, तो आंसर क्या होगा अपना, x इक्वल टू 100 -1 यानी 99, और एक होगा 1/10 -1, तो 0.1 -1 जो हो जाएगा -0.9। ठीक है, हमारे दो आंसर आए 99 और -0.9, और दोनों डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व कर लिया होगा, ये भी मैं रब करके सॉल्व कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। देखिए यहां पे एक बार x की पावर log a टू द बेस 2 है, और यहां पे a की पावर 2 log x टू द बेस 2 है, तो आपको इंटरचेंज करें a और x को इसी एक में, ठीक है, ताकि दोनों एक चीज बने, तो आप इसी एक को t एज्यूम करके आगे को फर्दर प्रोसीड कर सके। ओके, वेल, तो अब मैं सॉल्व करता हूं इसे, आपने आया ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करें स्क्रीन और सॉल्व करें। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैं बताया था कि पहले स्टेप में आप इसको इंटरचेंज करें, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करना है तो एक्स की पावर इक्वल्स टू 5 + 4 इंटू, ठीक है, इस स्टेप के बाद आप थोड़ा प्रोसीड करें, एक्स की पावर लॉग ए टू द बेस 2 को आप टी मानेंगे, तो क्या ये टी स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए की पावर एम का पावर एन होता है, तो उसको हम ए की पावर एम एन लिखते हैं, तो अगर एक्स की पावर लॉग 2 ए को आप टी माने, ठीक है, तो एक्स की पावर लॉग 2 ए का पावर अगर टी है तभी तो इसको हम लिखे होंगे, अगर पावर 2 है तभी तो इसको लिखे होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 2 लॉग ए टू द बेस 2, यानी ये कुछ ऐसा रहा होगा, तो इसको हम अगर इसको हम टी एज्यूम करेंगे, इसको अगर हम टी एज्यूम कर रहे हैं तो ये तो टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 + 4t, या फिर कह सकते हैं टी स्क्वायर -4t -5 = 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक होगा टी इक्वल्स टू 5, आई पुट करिए आ रहा है आंसर, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, -5t + t, और एक आएगा -1, ठीक है, ओके, टी इक्वल्स टू -1 और 5, लेकिन आप देखिए एक बार, टी हमने क्या एज्यूम करा था, एक्स की पावर लॉग 2 ए को टी एज्यूम करा था, क्या ये कभी -1 हो सकता है, कोई भी नंबर हो, वैसे तो यहां पे दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन 1 एंड बी अ रियल नंबर देन सॉल्व ये, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी रही होगी, नेगेटिव तो नहीं रही होगी, लेकिन अगर नेगेटिव रहा भी होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए नेगेटिव रहा भी होगा, तो क्या कभी ये हो सकता है नेगेटिव, आप -2 -3 कुछ की भी पावर, आप कुछ भी लिखें यहां पे, एक्स ग्रेटर देन 0 वैसे देना चाहिए था, हाँ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना, ये तो -3 होगा नहीं, तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका पावर, ये भी इल्ड क्या करेगा, या तो पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, लेकिन कुछ भी पावर हो तो क्या वो कभी इसको बना पाएगा नेगेटिव, क्योंकि तो अगर माइनस इंफिनिटी को अगर टेंड करता है पावर तब जाके ये 0 होता है, तो यानी ये सॉल्यूशन टी इक्वल्स टू -1 हमें रिजेक्ट करना होगा, तो t इक्वल टू 5 सेलेक्ट हुआ, t इक्वल टू 5 यानी x की पावर, फिर आप log ऑफ बेस 5 ले बोथ साइड्स, तो इधर तो log ऑफ बेस 5 क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या होगा, आपको देखिए मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, सोइएगा नहीं, फिर ये नंबर पे पावर मल्टीप्लाई होगा,
या फिर हम कह सकते हैं log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू ये 1 अपॉन log a टू द बेस 2 होगा। पिछले लेक्चर में बता रखा है अगर 1 अपॉन log a टू द बेस 2 है तो वो उसको हम log 2 टू द बेस से भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल। ओके नंबर और बेस को हमने इंटरचेंज किया जब रेसिप्रोकल में। तो x क्या आ गया 5 की पावर। ओके अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ था पहले तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें स्क्रीन पॉज करें करके। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। अब 4 और 5 दोनों ट्राई करें। मैंने 4 का तो फर्स्ट स्टेप भी लिख दिया है। इसके बाद आप प्रॉपर्टी यूज करें log m माइनस log n इक्वल्स टू log ऑफ m बाय n। तो अब वो होगा log 5 की पावर x प्लस 125 बाय 6 टू द बेस 5। फिर 5 की फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी से आप सॉल्व जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेस चेंजिंग थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये 4 में सॉल्व करता हूं ये क्या हो जाएगा। अपॉन 6। ओके अब मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं तो 5 की पावर 1 बाय एक्स प्लस 125 अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 की पावर 1 प्लस 1 बाय 2 एक्स। इसको हम 5 इंटू 5 की पावर 1 बाई 2 एक्स भी लिख सकता हूं। ठीक है ये मैं रख कर देता हूं। अब मैं 5 की पावर 1 बाई एक्स को यहां देखिएगा 5 की पावर 1 बाई एक्स को 5 की पावर 1 बाई 2 एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे। जब भी होल में होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है तो 5 की पावर 1 बाई एक्स ही होगा। तो अब आप टी एज्यूम कर ले किसको 5 की पावर 1 बाय एक्स 1 बाय 2 एक्स को टी एज्यूम करें तो ये टी स्क्वायर। ये 6 को आप उधर भेज दें 6 को उधर भेज दें तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 125 माइनस 30 टी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। इसी को मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा तो इसका आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 25t प्लस 125 इक्वल्स टू 0। इसलिए क्या आ जाएगा हमारा टी इक्वल्स टू 5 और 125 5 और 25 सॉरी 5 और 25। ओके तो हमने टी क्या माना था 5 की पावर 1 बाय 2 एक्स। तो 5 की पावर 1 बाय 2 एक्स जब 5 की पावर 1 हो रहा है एक बार और एक बार 5 की पावर 1 बाय 2 एक्स 5 की पावर 2 हो रहा है। इसे जब सॉल्व करेंगे 1 बाय 2 एक्स इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू हाफ। और इससे क्या आएगा एक्स इक्वल टू 1 बाय 4 आएगा ना। आप फिर से चेक करें ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5 बेस चेंजिंग थ्योरम पे है। मैं 4 को रख करता हूं उसके बाद 5 सॉल्व करूंगा। अब खुद से पहले अटेम्प्ट कर लें। देखिए एलएचएस है हमारा लॉग एन टू द बेस ए बाय लॉग एन टू द बेस बी। तो अगर एलएचएस को मैं देखूं एलएचएस बस आपको रिवर्स ऑफ बेस चेंज यहां पे अप्लाई करना है या पहले तो आप एन को बेस में ले जाए उसके बाद रिवर्स ऑफ बेस चेंज करें। तो एल को बेस एन को बेस में ले एन को रेसिप्रोकल में लेके गए या फिर गए बेस में तो क्या होगा 1 बाय लॉग ऑफ एन टू द बेस ए और ये होगा 1 अपॉन लॉग ऑफ एन टू द बेस बी। तो ये होगा लॉग ऑफ एन टू द बेस बी बी टू द बेस एन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस एन। रिवर्स ऑफ बेस चेंज अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर जाता है कहां बेस में और न्यूमिनेटर नंबर। ठीक है उसके बाद आप यही चीज इस पे अप्लाई करें। ओके सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सी था ठीक है ना। तो आप बी के जगह हर जगह सी कर लें ये तो ये ही रहेगा ये सी। अब आप आरएचएस को भी लॉग सी टू द बेस से लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा
सबको एन को सबको बेस मिला देना है बेसियन थ्योरम के एप्लीकेशन से, उसके बाद हमें इलिमिनेट करना है और फिर ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अप्लाई करना है। तो अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, वन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस एन माइनस वन अपॉन लॉग बी टू द बेस एन, लॉग ऑफ बी टू द बेस एन माइनस वन अपॉन लॉग सी टू द बेस एन। इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, ठीक है यही आएगा। अब आप log b टू द बेस n को काटें तो ये क्या बचा, RHS हम सॉल्व कर रहे हैं log ऑफ b टू द बेस n, तो इसको log m माइनस log n को क्या कर सकते हैं, log ऑफ m बाय n जिसको b बाय n अपॉन, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए अपन b स्क्वायर इक्वल टू ac अप्लाई करेंगे, अगर b स्क्वायर इक्वल्स टू ac तो b बाय a इक्वल्स टू c बाय b, ये तो इक्वल हो गया। अब उधर बचा क्या, हम log ऑफ c टू द बेस n बाय log ऑफ a टू द बेस n, ये तो वही आया इक्वल्स टू log ऑफ c टू द बेस a। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए बेस चेंजिंग थ्योरम का थोड़ा सा एप्लीकेशन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, तो शुरू में मैंने यहाँ बी बेस दे दिया था तो वो तो सॉल्व ही नहीं होता था, ठीक है वो थोड़ा मिस्टेक था, आप नोट डाउन करें, आप इसे नोट डाउन करें। इसके बाद अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉमन एंड नेचुरल बेस, तो वैसा 2-3 मिनट का टॉपिक है।